अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीबी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। हैदराबाद ओल्ड सिटी संतोष नगर पुलिस स्टेशन में साउथ जोन के डीसीपी की प्रेस मीटिंग। बालादस्तगी की जंग के साथ दो ग्रोहों के दरमियान इख्तलाफात। माया गैंग और समीर गैंग के दरमियान गैंग वॉर। 6 तारीख को आधी रात का वाकया, दो ग्रोह मोहलक हथियारों के साथ सड़क पर घूम रहे थे। संतोष नगर पुलिस ने तलवारें और बाइक जब्त कर लिए। संतोष नगर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार करके रिमांड पर तहवील में ले लिया। डीसीपी नौजवान कुनबे के मेंबरों की मुशाविरत कर रहे हैं। डीसीपी ने इंतबाह दिया कि पुराने शहर में नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर वो भूले नहीं हैं। पुलिस आधी रात को पुराने शहर के हर इलाके में गश्त कर रही है। आधी रात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े की पुलिस को इतला ज़रूर दे। आइए नाज़रीन देखें इसकी तफसीली रिपोर्ट। एबीबी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। मैंने 8 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन आई कि दो गैंग्स यहाँ पे लौड़ा और चाकू, बेसबॉल बैट वगैरह लेके बाइक पे पूरा शहर पे, मैंने संतोष नगर एरिया पे घूम रहे हैं और लोगों को डरा रहे। उस इन्फॉर्मेशन पे हमारा संतोष नगर पुलिस पूरा स्टाफ उनको उस एरिया पे जाके उन लोग एक्चुअली वो है या नहीं पता कर लिया। और जैसे ही पता चला कि वो बंदा सच में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों पर डर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हमारा पुलिस टैक्टिकली जाके उन लोगों को सबको पकड़ा। और ये दो गैंग है, माया गैंग और समीर गैंग। जब पूछताछ हुई उन लोग बोला कि दो गैंग का ये लोग पार्ट है, एक माया गैंग और एक समीर गैंग। माया गैंग पे कि सैयद सहीलुद्दीन, सोहेल बिन साइद, शेख अहमद बिन अब्दुल रहमान अल अमोदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद सोहेल, शेख आफ्ताब अली। वैसे समीर गैंग पे लोग है कि मोहम्मद समीर खान, मोहम्मद समी, ये टोटल 8 लोग हैं जो बाइक पे घूम रहे हैं और जो आर्म्स, जो जैसे स्टिक, हॉकी स्टिक, बेसबॉल स्टिक, रॉड, नाइफ, तलवार लेके घूम रहे हैं और लोगों पे डर ला रहे हैं। माने उन लोगों का ये कि वहाँ पे माहौल को ख़राब करना, इन लोग रोडी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और उन लोग को जैसे कि इन्फॉर्मेशन आया हम तुरंत पकड़ लिया और उन लोग का जो आज उन लोगों के ऊपर केस आर्म्स एक्ट के अंदर केस डाल के जेल भेज रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे रॉडी एलिमेंट्स है उन लोग को साउथ जोन पुलिस साइड से हम एक तरीके का वार्निंग दे रहे हैं, कोई आप रॉडी एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ेंगे तो आप भी लीगल एक्शन फेस करेंगे और करस्पॉन्डिंग केसेस रजिस्टर किया जाएगा और करस्पॉन्डिंग सेक्शन पे आपको रिमांड भी किया जाएगा। तो और एट द सेम टाइम सारी जनता का ये हम लोग का रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपको कभी भी पता चलेगा कि वैसे रॉडी एलिमेंट्स वहाँ पे घूम रहे हैं और लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इमीडिएटली हम पुलिस को इन्फॉर्म कर लीजिए ताकि उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा पीसफुल रहे। थैंक यू सर। इसमें आप बता रहे हैं कि ये दोनों गैंग का अपना अपना लीडर बना के रखा है कि अपना आइडेंटिटी के लिए, ताकि एक गैंग पे नहीं रहना चाह रहे हमेशा कि अपना गैंग अपना, ये लोग का ये सोच है कि अपना गैंग जाके जुलुम करे जो अनलॉफुल है वैसे नहीं करना है। और साथ साथ वेपन के साथ लोगों पे डर बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रॉडी एलिमेंट है, रॉडी एक्टिविटी है, इसीलिए तुरंत हमने पकड़ लिया और पूछताछ किया तब पता चला कि ये सारी है एंड इसलिए लोग को प्रॉपर केस में